कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई सीक्रेट जानकारी सर्च करते हैं या खोजते हैं गूगल से या यूट्यूब से या फेसबुक से या कहीं से भी, तो आपके जो है जो खोजने के कीवर्ड होते हैं वो सब सेव रहते हैं, मतलब कि हिस्ट्री में सेव हो जाते हैं, क्या क्या आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सेव रहता है आपके फ़ोन में। और जिनको जानकारी होता है वो आपके फ़ोन को लेकर बढ़िया से खंगाल के पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो किसी दूसरे के पास आपका जानकारी शेयर हो उससे पहले आप उसको डिलीट कर लिया करें। तो यही चीज़ हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। और या ध्रुव लाल यादव, जो मैंने सर्च किया यहाँ पर सेव हो गया। अब यहाँ से आपने डिलीट कर दिया, ऊपर भी एक ऑप्शन है डिलीट टूडे, आज का अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके ओके कर दिया, आज का पूरा डिलीट हो गया। ठीक, इसके बावजूद हम दिखाते हैं फिर से। सभी मित्रों को नमस्कार, मैं ध्रुव लाल यादव, टेक्निकल टावर। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण और सीक्रेट जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं पॉइंट। दोस्तों पॉइंट ये है कि आजकल जो है मोबाइल हर कोई इंसान चलाता है, सब कोई चलाता है, और कुछ भी उसको ढूंढना या सर्च करना होता है या उसको चाहिए तो गूगल पे जाकर जरूर सर्च करता है। और गूगल पे आप कभी कभी बहुत प्राइवेटली वर्क जो है सर्च करते हैं, या आपकी कोई सीक्रेट जानकारी होता है जो आप गूगल पे सर्च करके कोई काम करते हैं या उसको सेव करके रखते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ सेव होता है। अगर गूगल पे आप कुछ भी सर्च किए, यूट्यूब पर सर्च किए या कहीं भी किसी भी ब्राउज़र में आप सर्च करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ भी, तो वो सेव कहाँ कहाँ होता है उस चीज़ को हम दिखाएंगे इस वीडियो में। और जो आपका हिस्ट्री सेव होता है, इतिहास जो सेव होता है, उसको आप कैसे डिलीट करें, कैसे हटाएं, ये भी बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई सीक्रेट जानकारी सर्च करते हैं या खोजते हैं गूगल से या यूट्यूब से या फेसबुक से या कहीं से भी, तो आपके जो है जो खोजने के कीवर्ड होते हैं वो सब सेव रहते हैं, मतलब कि हिस्ट्री में सेव हो जाते हैं, क्या क्या आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सेव रहता है आपके फ़ोन में। और जिनको जानकारी होता है वो आपके फ़ोन को लेकर बढ़िया से खंगाल के पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो किसी दूसरे के पास आपका जानकारी शेयर हो उससे पहले आप उसको डिलीट कर लिया करें। तो यही चीज़ हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, और कैसे डिलीट करते हैं, कैसे पता करें कि हमारा हिस्ट्री कहाँ कहाँ सेव होता है। तो बने रहिए वीडियो पर, और हम ले चलते हैं आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग और डिस्प्ले पे। तो दोस्तों अब आप आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे, और सबसे ऊपर आप देखते होंगे गूगल बाबा को। तो जैसे गूगल पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं कि न्यू हिट सॉन्ग, ओके सॉरी न्यू हिट, यस वो एन जी न्यू हिट सॉन्ग। अब मैंने इसको सर्च कर दिया, ठीक, सॉरी मैंने कनेक्शन बंद कर रखा है वाईफाई का, किसी का कॉल ना आ जाए इसके लिए। मेरे पास कनेक्शन आ चुका है, फिर से मैं सर्च करता हूँ और आ गया न्यू हिट सॉन्ग। ठीक, अब इसमें हम जितने भी जो कुछ भी देखेंगे, अब कुछ देर बाद मैं फिर इस पर सर्च करता हूँ भोजपुरी गाना, भोजपुरिया गाना। ठीक, मैंने दो चीज़ें सर्च की, ठीक, और अभी हम दिखाते हैं कि ये कहाँ कहाँ से होता। अब कुछ लोग मान लिया यूज़ किए, गाना सुने, यूट्यूब पर गए गाना सुन लिए, या आई शैल रिमेंबर काट दिए, या कुछ भी आप सर्च करते हैं, चाहे आपका सीक्रेट हो, प्राइवेट हो, कुछ चीज़ें आप अगर गूगल पे सर्च करते हो, तो अब हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ ये सेव होता है। दोस्तों गूगल पे जाइए, और गूगल पे जाने के बाद जैसे आप पहले कई तरीके के ऑप्शन आते हैं, जैसे जो भी अपडेट वर्जन आपका होगा, फिर हम ऊपर जाते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर सर्च हिस्ट्री, पहला नंबर तो हम इसको यहाँ से डिलीट करना है, क्योंकि अभी आप देखोगे मैंने YouTube पर गया था आ गया। ठीक, इसको हम क्लिक करके डिलीट नाउ कर दिया, और फिर आप भोजपुरी गाना मैंने सर्च किया था, ये भी डिलीट नाउ जैसे क्लिक किया मैंने। इसमें और ऑप्शन होते हैं हिट न्यू सॉन्ग या ध्रुव लाल यादव, जो मैंने सर्च किया यहाँ पर सेव हो गया। अब यहाँ से आपने डिलीट कर दिया, ऊपर भी एक ऑप्शन है डिलीट टुडे, आज का अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके ओके कर दिया, आज का पूरा डिलीट हो गया। ठीक,
इसके बावजूद हम दिखाते हैं, फिर से यहीं पर आएंगे और सर्च हिस्ट्री हो गया रिसेंट पेज। अब ये रिसेंट पेज डिलीट करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये भी सेव पड़ा रहता है। इसको हटाएंगे, एक एक करके सारा हटा देते हैं, यहाँ से हटा देंगे जो भी आप सर्च करते हैं। और इसके बावजूद भी ये कहीं ना एक जगह और सेव होता है। आप जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आप जो है हिस्ट्री पर आएंगे। यहाँ आप देखिएगा, अभी मैंने वहाँ से डिलीट किया हूँ, तो यहाँ सॉरी एक मिनट, वहाँ का लग रहा है जीमेल दूसरा है और यहाँ का जीमेल दूसरा है, देख लेता हूँ मैं वो भी, क्योंकि जीमेल महत्व रखता है दोस्तों। जैसे हमारे फ़ोन में कई जीमेल हैं, संभवतः आपके फ़ोन में एक दो ही जीमेल हो, या एक जीमेल होगा या दो जीमेल होगा, तो जो जीमेल मेन अकाउंट पे और क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन होगा वही शो करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो है जीमेल कौन सा लॉगिन है। यहाँ आ जाते हैं और थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि अगर जानकारी सही चाहिए तो समय तो देना ही पड़ेगा। फिर ये यही तो प्रॉब्लम, हमारा दूसरा जीमेल इसमें लॉगिन था। अब उसी जीमेल पे हम आपको लेकर चलते हैं, ये वही जीमेल आएगा दोस्तों, और उसमें हम दिखाते हैं हिस्ट्री। जस्ट आप सेट किए, जो मैंने वहाँ सर्च किया है वो यहाँ शो करेगा। अब फिर दिखाते हैं हिस्ट्री जो अभी का है, ये ध्रुव लाल यादव यूट्यूब सर्च किया, डस्टबोर्ड सर्च किया, और सब कुछ है जो मैं वहाँ सर्च करता हूँ। उससे पहले मैंने ये सर्च किया था डी स्टार स्टूडियो, जैसे लिखा भोजपुरी गाना, फी ट्रांसफ़र, या फिर ऐसे ऐसे हम सर्च कर लेते हैं ढेर सारा सब कुछ। डी स्टार स्टूडियो, जो कुछ भी हम यहाँ पर देखेंगे सब नोटेड होना है। सब आ जाता है यहाँ पे, जैसे मैं वहाँ डी स्टार स्टूडियो सर्च किया है, तो आप भी ऐसे ही डिलीट कर लीजिएगा, क्योंकि पक्का आएगा, मेरा कुछ फॉल्ट है इसमें, पक्का आपका जो है हिस्ट्री जाकर क्रोम ब्राउज़र में सेव हो जाता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत ढेर सारा जानकारी और सब्जेक्ट इस पर मिलता रहेगा। नमस्कार।